होंगी। माँ के गर्भ में तो वही पीड़ा से दोनों लड़का और लड़की अपन मतलब एक लेडीज पैदा करती है, तो फिर वो डिफरेंस वाली सोच तो रहनी नहीं चाहिए। मेरे को तो कल को ये आगे बढ़ेगी या बाज है, तो मेरे को तो अब स्कूल में यहाँ यहाँ सब इसी के नाम से जानेंगे क्या, जैसे सदा की मदर ऐसे। लेकिन नेशनल जाए जाके आई ये खेल के, तो मेरे को तो पहले से ही मतलब कहीं भी इसका मतलब कोई साथ में पढ़ने वाले बच्चे टीचर वगैरह मिलते हैं तो ये कहते हैं हाँ ये सब नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, तो बस मेहनत करो अपने आप। मैंने मेरी तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं है कि हाँ यही बनना है यही बनना है, ऐसा कुछ नहीं। कई बार होता है ना, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, जब पक्का नहीं नहीं बनना है तो नहीं फिर नहीं प्लान नहीं नहीं छोड़ना है। हाँ हाँ मेरी तरफ से ऐसा कोई, हमारे दोनों की तरफ से ऐसा कोई बच्चों पे दबाव है नहीं कि ये बनना है, ये पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे अपने आप सीख लेंगे। बच्चों को इंटरेस्ट किस तरफ है मतलब अपन को उस तरफ रहना चाहिए। बच्चे के पहले बच्चे को पूछना चाहिए कि तेरे को किस तरफ इंटरेस्ट है, इस हिसाब से पेरेंट्स को दबाव देंगे तो अपन काफी जगह देख लेंगे। नहीं इतना आइडिया नहीं था, पर भरोसा था कि मतलब 95 से ऊपर है। ये भरोसा था 95 का टॉप का, वो पक्का तो नहीं था कैसे पता चला? वो, तो जब सुबह रिजल्ट आया बच्चे दोनों देख रहे थे चुप कर रहे थे, तो मैंने बोला क्या है, छोटू ने बोला कि मम्मा जसदा का रिजल्ट आया, तो मैंने कहा क्या रहा है, मैं खाना खा रही थी उस टाइम, तो के 98.4 आ गया। तो मैंने एक ही चपाती खाई थी, मैंने थाली वहीं धर के आई, इसको गले लगे आया, मतलब काफी खुश हूँ। तो ये कब पता चला गले में टॉप कर गया? ये थोड़ी देर बाद में ही पता चला स्कूल वालों के न्यूज में, फिर देखा तो पता चला कि जिले में टॉप किया। बच्ची ने कितनी मेहनत की, तो काफी मेहनत की बच्ची की, मैंने तो रही है सारी कैसे फिर खेलना भी है, पढ़ना भी है, फिर टाइम कैसे मैनेज कैसे कर लेती है? इनकी, जैसे पढ़ाई में रुचि है इस तरह से इसकी खेल में भी बहुत रुचि है, तो ये मैनेजमेंट खुद कर लेती थी। मतलब रात में 11-12 बजे हम सब सो जाते थे, तो ये अकेली पढ़ाई करती करती लाइट ऑन रही है, किताबें पढ़ी है या अपने ऐसे ऊपर और सो जाती थी। मैं रात को जब जगूं 2-3 बजे देखूंगी वो सोई है कि नहीं है, तो लाइट ऑफ करूँ तो फिर सोई क्या कुछ कह रखा है कि हाँ ये रहे। बनना नहीं है मैंने ऐसा? कुछ नहीं कहा, तो बस मेहनत करो अपने आप। मैंने मेरी तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं है कि हाँ यही बनना है यही बनना है, ऐसा कुछ नहीं। कई बार होता है ना, पेरेंट्स बोलते हैं नहीं, जब पक्का नहीं नहीं बनना है नहीं तो फिर नहीं प्लान नहीं नहीं छोड़ना है। हाँ हाँ मेरी तरफ से ऐसा कोई, हमारी दोनों की तरफ से ऐसा कोई बच्चों पे दबाव है नहीं कि ये बनना है, ये पढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे अपने आप सीख लेंगे। आप तो कितने पढ़े हुए मैंने छोड़ी है 20 में बी, थोड़ी ऐसे ही छोटी उसे प्रॉब्लम रही, तो बच्चे क्या? कुछ कुछ होते हैं परिवार वाले जो बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, उन परिवार के लोगों का उन माँ बाप को क्या कहना चाहते हैं? नहीं, बच्चों को इंटरेस्ट किस तरफ है मतलब अपन को उस तरफ रहना चाहिए। बच्चे के पहले बच्चे को पूछना चाहिए कि तेरे को किस तरफ इंटरेस्ट है, इस हिसाब से पेरेंट्स को दबाव देंगे तो अपन काफी जगह देखेंगे। बेटियों की शिक्षा का जो स्तर है, बेटियों का जो शिक्षा में बढ़ावा जो आया है, उसमें जो बाढ़ में बदलाव आया है, उसको किस तरह देखते हैं अभी तो काफी बदलाव आया है, काफी बहुत सारा बदलाव आया है। आप? मतलब जैसे पढ़े लिखे सभी लोग बेटे बेटियों को सम्मान मान रहे हैं, अच्छी शिक्षा दिला भी रहे हैं, बेटियों को पढ़ा जो बचपन में थे उससे पहले वाला जो दौर था वो कैसा भी रहे था? हैं। काफी बदलाव था मेरी तो, मैंने फिर प्राइवेट के लिए पढ़ाई, मेरी सूट गई थी बीच में, काफी बदलाव है उससे आज। बेटी को आपसे एक शिकायत है कि सर जिस वक्त गेम होते हैं सिर्फ पापा साथ में आते हैं, मम्मी को घर से मार देते हैं, गए नहीं आप साथ में? नहीं मेरे को जरूरत ही पड़ी नहीं, इसके फादर और स्कूल स्टाफ साथ में रहता था, और काफी बच्चियाँ यहाँ ये नेशनल गई है तब भी ये राजस्थान से मतलब एक ही बच्ची थी, तो अलग अलग जगह से बच्चियाँ थी। लक्ष्य दिल्ली सोच के बैठी है बेटी, तो जाओगे हाँ साथ में? बिल्कुल जाऊंगी, और गेम में तो गए नहीं अभी? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा मेरे को लगा ही नहीं ना कि बच्ची अकेली जा रही है, कि बच्चियाँ और स्कूल स्टाफ मैडमें टीचर साथ में थे, तो उनका भी सपोर्ट रहा है, गाइडेंस उनकी भी रही है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कभी कि हाँ मेरी बच्ची बाहर जा रही है अकेले जा रही है, ऐसा कुछ नहीं। मतलब वो होती है ना फिक्र वाली बात, वो नहीं थी क्योंकि नहीं पता नहीं था, भरोसा भरोसा था, मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि हाँ मुझे जरूरी है साथ जाना, ऐसा मुझे कहीं नहीं लगा। बेटा बेटी एक समान। कुछ एक समान लोग हैं जो अभी भी कहते हैं सर बेटी पराया हाँ, धन वो होती है, अपने अपने उनको सोर्स उनके है, लिए क्या कहना था?
उनके लिए मैं तो यही कहूंगी, माँ के गर्भ में तो वही पीड़ा से दोनों लड़का और लड़की अपन मतलब एक लेडीज पैदा करती है, तो फिर वो डिफरेंस वाली सोच तो रहनी नहीं चाहिए। क्योंकि तो नाम तो बेटी भी कमाएगी, नाम तो बेटा भी बेटा कमाएगा। भी मेरे को तो कल को ये आगे बढ़ेगी अब आज है, तो मेरे को तो अब स्कूल में यहाँ यहाँ सब इसी के नाम से जानेंगे, किया जैसे सदा की नजर है, लेकिन नेशनल जाए जाके आई ये खेल के, तो मेरे को तो पहले से ही मतलब कहीं भी इसका मतलब कोई साथ में पढ़ने वाले बच्चे टीचर वगैरह मिलते हैं तो ये कहते हैं हाँ ये सबसे बड़ी उम्मीद आपको तो ये भी तो है ना कि सब छोटू के कान भी माइक लगेंगे आपके आगे। बिल्कुल। बिल्कुल।